देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी या पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, वो एक नैरेटिव हमेशा सेट करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं फेरेटिज्म, उनके नैरेटिव जो सेट करते हैं फेरेटिज्म रहता है, मानता रहती है। हमारे जो हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, आपने देखा होगा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमारे हैं। अगर हम हमारे अपने बेटियों की बात करें तो सावित्री बाई फुले योजना उनके लिए हमने लाया है। अपनी बहनों की अगर बात करें तो मैया योजना हमने लाया है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे इन्होंने बंद कर दिए, हमने अबुआ आवास लाया है। पूरे देश में झारखंड एक पहला राज्य है जो सर्जन पेंशन में 50 ईयर्स में भी हम पेंशन दे रहे हैं। तो हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 2 लाख कृषकों के हमने 2 लाख रुपए तक हमने कृषि लोन माफ किया। तो हमारे जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो कैंपेन वो करते हैं, वो कहीं न कहीं एक धार्मिक रूप से गोलबंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन झारखंड के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, जब से राहुल गांधी जी ने वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो चीजें प्रस्तुत की है संविधान बचाओ के माध्यम से, तो ये लोग इसको एहसास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर हमें देश को बचा